हेलो फ्रेंड्स, GSM हेल्पफुल चैनल में आपका स्वागत है। मेरे पास है Redmi 6 Pro, इसमें MI अकाउंट है। तो MI अकाउंट UMT में कैसे रिमूव होता है तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। ये जो फाइल है वीडियो डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको मिल जाएगी। ये फाइल से आप अगर वाईफाई काम नहीं करता तो भी ये फाइल से वाईफाई काम करेगा, लेकिन सॉफ्टवेयर में वाईफाई बंद होता है तभी ये फाइल काम करेगी। तो यहाँ पर मैं पहले आपको प्रॉब्लम बता देता हूँ, इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो ये प्रॉब्लम है MI अकाउंट। तो हम बैटरी कनेक्टर निकाल देते हैं और मैं आपको आइडियल पॉइंट बता देता हूँ। तो ये दो पॉइंट है, EDL में आपको ले जाना पड़ेगा तब जाके UMT में कनेक्ट होगा। तो पहले फ़ोन को EDL मोड में ले जाते हैं। तो यहाँ पे डिवाइस मैनेजर भी ओपन है, तो डिवाइस मैनेजर में आपको Qualcomm शो होगा, उसका मतलब EDL मोड में फ़ोन चला गया। दो पॉइंट शॉर्ट करके USB केबल लगाना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे Qualcomm आ गया है। अब फाइल को सिलेक्ट कर देते हैं, प्रोग्राम फाइल को सिलेक्ट करके रॉ फाइल सिलेक्ट कर देते हैं, फ्लैश पे क्लिक करते हैं और थोड़ा वेट करते हैं जब तक पूरा फ्लैश नहीं हो जाता फाइल। फ़ोन रिसेट हो गया है। अब फ़ोन को चालू करके हम चेक करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे MI अकाउंट रिमूव हो गया है। तो ऐसे ही ट्यूटोरियल के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमारे चैनल GSM हेल्पफुल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।